चाइना एक बार फिर इंडियन ओशन में अपनी पकड़ मजबूत कर इंडिया को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। दरअसल कुछ महीने पहले चाइना ने अपने स्पाई शिप द्वारा इंडियन ओशन का 4 महीने तक सीबेड सर्वे कराकर एक नया ट्रेड रूट क्रिएट किया था, जो इंडोनेशिया के स्ट्रेट से साउथ इंडियन ओशन को होते हुए सीधा अफ्रीका तक जाता था। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना इस रूट को फ्यूचर में ट्रेड की बजाय इंडिया पर अपने न्यूक्लियर सबमरीन के अटैक के लिए यूज करना चाहता है, और ये अकेले इंडिया ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए भी डेंजरस साबित हो सकता है। देखिए, चाइना हमेशा से ही इंडियन ओशन पर इंडिया की डोमिनेंस से चलता आया है। पहले भी चाइना ने इंडियन ओशन की 19 जगहों के चाइनीज नाम रख दिए थे, और इंडियन ओशन कंट्रीज के समिट में भी इंडिया को छोड़कर बाकी सभी देशों को बुलाया था। बट चाइना चाहे जो भी करे, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है कि इंडियन ओशन पर सिर्फ एक ही देश का सिक्का चलता है, वो है इंडिया।